हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काबा कोचिंग सेंटर। आज हम करने वाले हैं रियल नंबर में एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बिना डिवाइड किए हुए हमें ये आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बिना डिवाइड किए हुए बताना है। बहुत ही सिंपल है ये, बिना डिवाइड किए हुए बताना है। तो सबसे इजी तरीका है, मैं आपको बता दूं, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लीजिए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने के बाद हमारे जो फैक्टर या तो 2 के टर्म्स में है या 5 या 2 और 5 दोनों, अगर फैक्टर, मैं आपको लिख के बता देता हूं, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कम्स इन 2 और 5, या तो 2 में आए या 5 में आए, दोनों में, या फिर दोनों में आ जाए, या तो 2 के फैक्टर आ जाए या 5 आ जाए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन जरूरी तो नहीं ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो 2 के भी आ जाते हैं और 2 के साथ कोई और नंबर आ जाता है, 3 आ जाता है, आपको 2 और 5 भी आ रहा है लेकिन 3 भी आ गया, तो नहीं, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। 3125 है, इसके फैक्टर आएंगे डिनोमिनेटर के, अगर हम करके देखें तो क्या आएंगे, 5 5 5 5 5, तो 5 में आ रहे हैं, तो कौन सा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देख सकते हो आप। अंडरस्टूड? अब ये देख लीजिए इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3 और 5, 5 तो आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है साथ में, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अंडरस्टूड? ऐसे ही इधर तो हमें फैक्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो खुद ही किए हुए हैं, 2 की पावर 2, 2 को 2 टाइम्स ओपन कर दो, 5 को 7 टाइम्स, 7 के भी फैक्टर है, तो 2 और 5 के तो ठीक है लेकिन ये 7 के भी आ रहे हैं, तो ये भी होगा सेम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? अब सपोज ये 210 है, इसके फैक्टर कर लीजिए 3 6, फैक्टर कर लेते हैं 3 5 7, तो इसमें 2 और 5 भी आ रहा है लेकिन इसके अलावा भी और अदर नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये छोटी सी एक्सरसाइज में तो फर्स्ट क्वेश्चन का यही पार्ट है, ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा। अब आपको इसी के अंदर बता देता हूं, एक क्वेश्चन नहीं है, एक इसमें हमने 9th में भी पढ़ा था थोड़ा सा। सपोज ये है नंबर 0.25638 bar। अब ये रैशनल है या इरेशनल नंबर, याद है आपने 9th क्लास में किया था ऐसे वाले कई बार वाले जो क्वेश्चन किए थे, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ये थे ना, तो ये रैशनल नंबर था कि इरेशनल। ये है, अगर क्लासिफाई करना हो, हमें क्लासिफाई करना हो ये रैशनल है या फिर इरेशनल, अगर करना हो क्लासिफाई, तो रैशनल तो पता है आपको क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वाले क्वेश्चन भी याद है आपने जब किए थे तो कई बार नीचे 99 ऐसे कुछ नंबर्स आते थे, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, तो क्या हुआ, बार वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो होते हैं रैशनल, ठीक है।
और इनको एक और नाम से बोला जाता है अगर डेसिमल एक्सपेंशन में, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है तभी तो बार आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा बढ़ते जा रहा है, और रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन में पूछता है तो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.303230330.. इट मीन दैट क्या जीरोस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, एक जीरो दो जीरो, एंड हो ही नहीं रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेट तो है ही, रुक ही नहीं रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट के साथ नॉन, कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होगा तो उसको इरेशनल बोला जाता है। ओके, ये था रियल नंबर चैप्टर, रियल नंबर में छोटी सी एक्सरसाइज का पार्ट, एक्सरसाइज 1.4 का फिनिश हो गई ये, ठीक है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब शेयर लाइक करना भूलिएगा, जरूर करिएगा।